गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा कलर आया है। बाकी अब खाने के बाद पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है और आप खाइए और मजा लीजिए। कोफ्ता का गोश्त लिया है हमने। गाइस हम इसमें अंडा डालेंगे, एक अंडा डालना है और थोड़ी सी खसखस डालनी है और चने के दाने डालने हैं। अभी हम इनको पीसेंगे और कसूरी मेथी भी इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने ये प्याज ली है, 4 या 5 प्याज हम इसके अंदर डालेंगे, बारीक कटिंग कर लेंगे और इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको कटिंग कर लेते हैं और कुछ प्याज इसके अंडे वाली काट कर इसके अंदर रख लेते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस हमने ये प्याज ऐसे कटिंग कर लिया है, अब हम इसको पीसेंगे। ये प्याज पीसने के लिए है और ये इतनी अंडे वाली हमने इस तरह से चॉप कर ली है। हरी मिर्च भी इसी के अंदर काट ली है। हम इसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स करेंगे गाइस। तो चलिए फिर जल्दी से करते हैं। चीजें अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। चने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी अंडा तोड़कर ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चने और खसखस दोनों मैंने एक साथ पीसे थे जैसे आपने देखा। अभी मैं ये अंडा इसके अंदर डाल दूंगी। एक ही अंडा डालना है और बाकी की ये सारी चीजें जो हमने मिक्स करी है, प्याज और अदरक, प्याज है इसके अंदर और हरी मिर्च, ये सारी अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो पूरे अच्छी तरीके से चॉप कर चुकी हूँ। अभी ये सब इसके अंदर डाल दूंगी। ये हाथ से ज्यादा कंफर्टेबल हो रही हैं, अब ये बना रही हैं हाथ से। जैसे आप देख पा रहे हो खूब अच्छी तरीके से हम ये मिक्स कर लेंगे। ले ली है, इसके अंदर अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो ये अच्छी तरीके से बन चुका है और ये कैसे बना रही हैं आप ये देखिए, इस तरह से बनाना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इन्होंने बनाया है। जैसे आप देख रहे हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इन्होंने बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इक्वल साइज के सारे हमें बना लेने हैं, इसी तरह से करके हम सारे एक एक करके बना लेंगे गाइस। तो वीडियो शुरू देखिए गाइस, इतने बन चुके हैं ये और प्लेट में भी बन चुके हैं। जैसे आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से बन चुके हैं। अब जल्दी से इनको स्टीम दे लेते हैं। गाइस अब हमने ये भगोना रख लिया है, इसके अंदर सारे ये कोफ्ते रख देंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली भगोना है ये। जितना भी ये एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब ये निकल जाएगा कोफ्ते में, तो इसीलिए हम इसको पहले स्टीम दे रहे हैं कोफ्तों को, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाए और ये हमारे फटने से बच जाएंगे। तो ये हमारा मसाला जब हम इसमें डालेंगे, भूनेंगे इनको अच्छी तरीके से, मसाले में मिक्स करेंगे, तो हमारे कोफ्ते फटेंगे नहीं, इससे ये फायदा होगा। ये 1 मिनट के लिए रखकर छोड़ना है, 1 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं करना है। 1 मिनट के बाद इनका पानी जो है वो निकल जाएगा और इनको ढककर हम रख देंगे। जैसे आप देख पा रहे हो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इन्होंने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है, देखिए गाइस ये कोफ्तों में से पानी छूट चुका है। जैसे आप देख पा रहे हो ये सब एक्स्ट्रा पानी आ चुका है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं।
गाइज अब हम ये सूखे मसाले डाल रहे हैं। हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच, 3 चम्मच डाल रहे हैं हम धनिया पाउडर जैसे आप देख पा रहे हो, और हमें हल्दी भी डालनी है। हल्दी ना के बराबर डालनी है, बहुत ही कम क्वांटिटी में डालनी है ताकि कलर इसका पीला ना हो, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ये सारा मसाला अब हमने तैयार कर लिया है, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने मसाले हमने डाले हैं अब ये सारे हम तेल के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। अब हमने जो टमाटर की ये प्योरी बनाकर रखी थी अब हम इसको मसाले के अंदर डाल देंगे ताकि ये भी साथ साथ भून जाए। ये हमने भी इसके अंदर डाल दिया और इसको भी साथ के साथ हम चलाते रहेंगे। जब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो ये सारा मसाले में से इसकी सफ्तरी आ गई है बाहर और ये बहुत अच्छा हो चुका है। चम्मच से उठाकर देखिए आप कितना जबरदस्त हो रहा है, ये सारा कलर एकदम बेहतरीन आ चुका है, सारा तेल मसाले से अलग हो चुका है। अब हम ये कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे, एक एक कर हम इसको डाल देंगे कोफ्ते को, और आराम से डालना है, ज्यादा तेजी के साथ इनको नहीं डालना और एक साथ नहीं डालना है वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। आराम से हम इसको डाल देंगे। गाइस जब हमारा मसाला भून रहा है और हम अच्छी तरह से भूनते रहेंगे और इसको बिल्कुल भी चम्मच को हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। जैसे आप देख पा रहे हो अगर आपने मसाले को छोड़ा तो फिर ये लगने का डर है। हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और अच्छी तरह से हमारा ये मसाला भूनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से मसाला भून लेते हैं। ले लिया है, बाकी जैसे भी आपको जितना भी इसकी ग्रेवी रखनी है वैसे रख सकते हो। मैं मीडियम रख रही हूँ, ना ज्यादा टाइट रखनी है मुझे ना ज्यादा पतली रखनी है, मैं मीडियम रख रही हूँ। बाकी आप अपने ऊपर है आप कितनी इसके अंदर ग्रेवी रख रहे हैं, मैं इतनी ग्रेवी रखूंगी। बस मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है और इसको इसका गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। गैस का फ्लेम अब मैं ज्यादा कर रही हूँ, जैसे इसके अंदर खोल आ जाएगा एक उसके बाद मैं गैस का फ्लेम कम कर दूंगी। गाइस अब हमने इसका ढक्कन ढककर रख दिया है, एक खोल आने के बाद हम इसको 5 मिनट के बाद पकाएंगे हल्की आंच पर और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। गैस बंद कर दिया है, अच्छी तरह से हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चलिए तो फिर जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कितना अच्छा कलर आ चुका है इसका और बिल्कुल भी नहीं टूटे, जैसे कि हमने पहले स्टीम इनको लगा ली थी तो ये इसलिए नहीं टूटे हैं और जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। तो आप लोग जरूर इसमें पहले स्टीम लगाएं फिर उसके बाद मसाले में इसको भून लें तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और ये ट्रिक मेरी सिस्टर ने बताई थी। अब हम धनिया पत्ती के साथ इसको गार्निश कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो हमने धनिया पत्ती के साथ इसको गार्निश कर लिया है।